मैं आज इंस्टॉल करने वाला हूँ 50 पाकिस्तानी मोड्स इन माय GTA 5, जिनमें से 16, 18 एंड 41 मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। बाकी 50 नंबर मोड को देखना मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम डक्की बाई वाली और ड्रोन चोरी करेंगे। बाकी यार आज की वीडियो सच में बहुत क्रेजी होने वाली है। अगर तुमको भी ये मोड्स चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक मोड्स इंस्टॉल किए, जिनके बगैर GTA 5 में मोडिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इनमें आते हैं स्क्रिप्ट हुकवी, स्क्रिप्ट हुकवी डॉट नेट, नेटिव UI, ओपन IV, मेन्यू ट्रेनर, गेम कॉन्फिग, हीप एडजस्टर, हीप लिमिट एडजस्टर एंड पिक बाय लिमिट एडजस्टर। देन मैंने इंस्टॉल किया अपना फर्स्ट मोड पाकिस्तानी लोडिंग स्क्रीन। इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने अपने GTA 5 गेम को फर्स्ट टाइम ओपन किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं GTA 5 नहीं बल्कि GTA पाकिस्तान खेल रहा हूँ। हो सकता है तुमको यकीन आए, लेकिन ये लोडिंग स्क्रीन मोड मैंने खुद अपने हाथों से मोबाइल की पिक्सेल एप्लीकेशन में बनाया है। देन मैंने ग्राफिक्स को इम्प्रूव करने के लिए व्यूल वे मोड को इंस्टॉल किया है, जिससे अपनी गेम की ग्राफिक्स पहले से 90% बेटर हो चुके हैं। उसके बाद मैंने कुछ टूल मोड्स इंस्टॉल किए, जिनसे आगे वाले पाकिस्तानी मोड्स आराम से अपनी गेम में लोड हो जाएंगे। ये टोटल 4 मोड्स हैं, एडोन पेट्स, एडोन प्रॉप्स, मैप एडिटर एंड मैप बिल्डर। अब अगर GTA पाकिस्तान खेल रहे हैं तो मेन कैरेक्टर भी पाकिस्तानी होना चाहिए ना। तो मैंने इंस्टॉल किया है बाबर आजम मोड। इस मोड से अपना मेन कैरेक्टर बाबर आजम में चेंज हो जाता है, जो कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है। देन इसके रहने के लिए इसका पर्सनल हाउस मैंने गांव में एक मोड की मदद से इंस्टॉल किया है, जिसका नेम है कंट्री साइड होम। मैंने बाबर का घर गांव में इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि आगे मैंने गेम में कुछ मिशंस इंस्टॉल करी हैं, जिनको कंप्लीट करके हम पैसे कमाएंगे एंड देन अमीरों वाली लाइफ जिएंगे। लाइक साथ में प्रोटोकॉल, शहर में एक बहुत बड़ा मेंशन, गार्ड्स एंड और भी बहुत कुछ। अभी समझो फिलहाल गेम में बाबर आजम गरीब है, गेम में असल में नहीं। वेल इतना भी गरीब नहीं है, इसके पास पर्सनल व्हीकल फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, जो कि अपना नेक्स्ट मोड है। गैरेज के मेन गेट से चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है अपने खतरनाक SUV, जिसको पर्सनली मैंने ऑफ रोडिंग के लिए इंस्टॉल किया है। अभी मुझे इसकी नंबर प्लेट कुछ खास नहीं लग रही थी, तो मैंने पाकिस्तानी नंबर प्लेट्स का मोड इंस्टॉल किया है, जिससे अपनी GTA की सारी व्हीकल्स पर पाकिस्तान वाली नंबर प्लेट एड हो चुकी है। एंड मैंने मेरी कार के लिए अपनी पर्सनल नंबर प्लेट बनाई है, जो कि आपको दिख ही रही होगी लेजेंडर के आगे एंड पीछे। ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद अपने मोबाइल से बनाई है। उसके बाद मैंने बाबर के लिए इसका पर्सनल वेपन भेट का मोड इंस्टॉल किया। अभी बारी है गेम में पाकिस्तानी व्हीकल्स को इंस्टॉल करने की। तो मैंने टोटल 18 व्हीकल्स अपनी गेम में इंस्टॉल करी है, जिनमें अपनी पहली गाड़ी है होंडा की CD70, उसके बाद होंडा CG125, देन सुजुकी मैरन, जो कि सच में बिल्कुल रियल लग रही है, देन उसके बाद सुजुकी अल्टो, केरी डब्बा एंड देन अपनी फेवरेट व्हीकल रिक्शा। ये सच में बहुत प्यारा मॉड है। उसके बाद मैंने इंस्टॉल करी है टोयोटा करोला 2022 मॉडल, देन टोयोटा की मार्क एक्स, जो कि बिल्कुल माफिया वाली फील देती है। देन फिर से एक टोयोटा की कार इंस्टॉल करी है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, इसका नेम है ग्रैंडी। उसके बाद टोयोटा फॉर्चुनर, होंडा सिविक, देन फिर से टोयोटा लैंड क्रूजर, रिवो डाला, उसके बाद डक्की वाली ऑडी ई-ट्रॉन, जिसको लास्ट में डक्की बाई वाली मिशन में हम चोरी करेंगे, देखना मिस मत करना। उसके बाद मैंने सुजुकी रवि को इंस्टॉल किया, देन सिंध पुलिस SUV, उसके बाद पाकिस्तानी ब्लिंप मोड को इंस्टॉल किया है मैंने, जिससे अपनी गेम में ब्लिंप वाले प्लेन पर पाकिस्तान का मैप बन चुका है, जो कि देखने में यकीन करो पाकिस्तान वाली फील दे रहा है। अभी बारी है अपनी लास्ट पाकिस्तानी व्हीकल मोड की, जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। इस मोड से बेसिकली अपना गेम वाला प्लेन एक आलिशान PIA वाले प्लेन में चेंज हो जाता है। अभी मैंने GTA 5 को पाकिस्तान वाली फील देने के लिए पाकिस्तानी फ्लेक्स का मोड इंस्टॉल किया, जो कि देखने में रियली कमाल के लग रहे हैं। अब तो सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। वेल आगे और भी पाकिस्तानी मोड्स मैंने इंस्टॉल किए हैं, जिनमें एक हमारा है पाकिस्तानी SSG कमांडोस, जिससे अपनी गेम के मिलिट्री वाले फौजी पाकिस्तानी फौजियों में चेंज हो गए हैं। अभी पाकिस्तानी आर्मी गेम में आ चुकी है, तो मैंने सोचा पाकिस्तानी पुलिस क्यों ना आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने सिंध पुलिस का मोड इंस्टॉल किया है। आप देख ही सकते हो इस पुलिस ऑफिसर को, जो कि CD70 वाले गंजे से कुछ पूछ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद इस गंजे के पास हेलमेट नहीं है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने रोका होगा। खैर जो भी, उसके बाद मैंने विलेज मोड को इंस्टॉल किया है, जो कि बिल्कुल रियल लाइफ की तरह एक गाँव बन चुका है। ये देखो दूध वाली बाइक, बाल्टी, मटके, ट्रॉली, हुक्का, चारपाई, सच में गांव वाली फील आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ इस बाइक पर एक राउंड लगा कर आते हैं, काफी प्यारी लग रही है देखने में। और यहाँ पर शायद क्रिकेट भी खेलते हैं।
सिस्टम में बैट पड़ी है। आज मेरे साथ अगर कोई होता तो उसके साथ मैं सच में क्रिकेट खेलता। अभी एक और पाकिस्तानी मोड मैंने इंस्टॉल किया है जो कि मीनार ए पाकिस्तान। ये सच में मुझे बहुत प्यारा मोड लगा, क्या चीज बनाई है बनाने वालों ने। उसके बाद मैंने एक और पाकिस्तान से रिलेटेड मोड इंस्टॉल किया है जिसको हम कुर्बानी वाली ईद के दिनों में बहुत यूज करते हैं, जिसका नाम है पाकिस्तानी मंडी। ये भी मैंने खुद मेन्यू ट्रेनर से बनाया है। अभी आपसे क्वेश्चन है कि इन मोड्स में इससे आपको कौन सा मोड अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी अब बार ये मिशन मोड्स की, तो इनमें फर्स्ट 3 मिशन मैंने बैंक से चोरी करने वाली इंस्टॉल करी है, पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक हाइस्ट, प्लिका बैंक हाइस्ट एंड पेलेटो बैंक हाइस्ट। उसके बाद एक और चोरी करने वाली मिशन मैंने इंस्टॉल करी है अपने GTA पाकिस्तान में, जिसका नेम है वेंगेलिको हाइस्ट। बेसिकली इस मिशन में हमें एक ज्वेलरी शॉप को लूटना होता है। हो सकता है ये मिशन अपने GTA 5 के स्टोरी मोड में भी कम्प्लीट करी हो। अभी मैंने एक और मिशन मोड इंस्टॉल किया है जिसका नेम है हिटमैन असैसिनेशन मिशन पेक। इन मिशन में हमें ड्रग डीलर, स्मगलर्स एंड टेररिस्ट को असैसिनेट करना पड़ता है। अभी बार ये अपने लास्ट मोड की, जो कि एक मिशन है जिसका नाम है स्टीलिंग ऑडी ईट्रॉन ऑफ डकी। ये मिशन भी मैंने मेन्यू ट्रेनर की मदद से बनाया है, जिसमें हम डकी भाई के घर से 5 करोड़ वाली ऑडी ईट्रॉन चोरी करने वाले हैं। फिलहाल मैंने मेरे दोस्त को बोला था कि उसकी सीरीज 70 पर मुझे डकी के घर के पास छोड़ के आए, तो मेरे दोस्त मुझे यहाँ पर पहुँचा जाए। अभी इसको इजाजत देते हैं एंड ऐसा करते हैं कि ये चला जाए, सामने वाले बंदे को पहले मारेंगे, क्योंकि अगर उस बंदे को मैंने नहीं मारा तो मुझे दीवार टापते हुए ये देख लेगा और हो सकता है पुलिस को न बता दे। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी बेट निकालता हूँ, पहले ऐसा करता हूँ छुप जाता हूँ इससे। अभी इसके पीछे से आहिस्ते से जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपनी बेट मैंने निकाल दी एंड सीधा इसके सर पर मारते हैं। ये बेहोश हो जाएगा और फिर हम दीवार टापेंगे। तो इसको मैंने एक ऐसा खतरनाक बेट मार दिया है, अभी जल्दी से दीवार टापते हैं, कोई देख ना ले। यहाँ से दीवार टापते हैं, एक सेकंड, ये क्या फॉर्चुनर लेजेंडर खड़ी है इसके पास। आज दोनों कार्स को चोरी करेंगे, ऑडी ईट्रॉन को भी चोरी करेंगे एंड लेजेंडर को भी चोरी करेंगे। पहले लेजेंडर को बाहर निकालते हैं, एक सेकंड, इसका दरवाजा नहीं नहीं यहाँ से ही नहा, तो इसका दरवाजा शायद लॉक है यार, इसका दरवाजा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, शायद लॉक है। तो ऐसा करते हैं, पहले अंदर चलकर चाबी वाबी ढूंढते, और ये क्या, ये दरवाजा भी बंद है, तो छोड़ो गैरेज की तरफ चलते हैं या तो विंडोज से। एक सेकंड, ये क्या, ऑडिट्रॉन मिल गई, अरे इसमें ही जल्दी से बैठते, और ये लॉक भी नहीं थी, अच्छा हुआ कि इसकी चाबी वाबी नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी फुल इलेक्ट्रिकली होती है इन स्टार्ट। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिए एंड सेंसर वाला दरवाजा बस दुआ करके खुल जाए, हाँ ये भी खुल गया। अभी जल्दी से अपनी प्यारी गाड़ी को बाहर निकालते हैं एंड किसी सुनसान जगह पर खड़े होकर मैं आपको सही से इसको दिखा देता हूँ। अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर रुका हूँ, तो ये देखो भाई इसका क्या ही लुक है, नेक्स्ट लेवल लुक है, एंड इसका इंटीरियर देखो, अरे है क्या ही मस्त लुक दे रहा है। वेल तो यही थे आज के अपने मोड्स, आपको कैसे लगे अगर चाहिए तो कमेंट्स कर देना। बाकी अपनी गेम की ग्राफिक्स मेरी गेम की तरह करना चाहते हो तो इस वीडियो में आ जाओ।